जीत करेंगे नहीं करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार से शुरू हुआ यह पूछताछ का सिलसिला आज भी जारी है, चौथे दिन, और इसे लेकर देश भर में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इसी क्रम में आज सीतापुर में भी कांग्रेसियों ने सामूहिक प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस के जिलाध्यक्ष समेत कई नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। क्या पूरा मामला है, मौके पर हमारे सहयोगी विपिन राजवंशी मौजूद हैं। विपिन जी बताइए। जी आपको बता दें उदय जी, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ किए जाने के चलते कांग्रेसियों का आज सामूहिक प्रदर्शन था। वह कांग्रेस कार्यालय पर एकत्र होना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को सूचना मिल गई और सीतापुर की थाना रामकोट की पुलिस व सिविल लाइन चौकी की पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी को उनके आवास पर ही अरेस्ट कर लिया और उनके समर्थक कार्यकर्ता भी बहुत थे उनके आवास पर, उनको भी अरेस्ट कर लिया और प्रदर्शन ना करने को मना कर लिया। लेकिन उसके बाद वही उनके आवास पर ही लोग प्रदर्शन करते रहे और पुलिस एक तरफ खड़ी रही, लेकिन अभी आवास पर ही पुलिस मुस्तैद है और उनके कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष सहित सारे समर्थक उनके आवास पर ही अभी प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, विपिन जी ये बताइए कि प्रदर्शन का कहां पर इनका प्लान था और हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, इसके बाद कौन कौन से पुलिस अधिकारी उनके आवास पे इस समय मौजूद हैं, क्या कुछ माहौल है वहां? जी आपको बता दें कि रामकोट थाना के दरोगा हैं और सिविल लाइन चौकी के इंचार्ज यहां पर पहुंचे हैं इनको अरेस्ट करने के लिए। जिला अध्यक्ष का कार्यक्रम था कि ये अपने कार्यालय पर पहले पहुंचेंगे, वहां पर सारे कार्यकर्ता एकत्रित होकर ये जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचेंगे, वहां पर ये ज्ञापन सौंपते अपनी मांग पत्र जो था इनका राहुल गांधी से जो पूछताछ हो रही है ईडी से उसको लेकर ये लोग ज्ञापन अपना सौंपना था जिलाधिकारी को। जी बिल्कुल, तो ये पूरा योजना थी आज कांग्रेस के नेताओं की कि वहां पर प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यालय पर, उसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते, जो ईडी की पूछताछ पिछले 3 दिनों से और आज चौथे दिन भी राहुल गांधी को बुलाया गया है ईडी ऑफिस में, लगातार जारी है पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मामले में ये पूछताछ की जा रही है और इसे लेकर देश भर में कांग्रेसी नेता आंदोलित है। उसी क्रम में आज सीतापुर में आंदोलन होना था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस को खबर मिली और पुलिस ने कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं उत्कर्ष वर्मा उनको घर पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया है। भारी संख्या में समर्थक और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी वहां मौजूद हैं, हालांकि आवास पर प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता, लेकिन उन्हें आवास से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर जो कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं उत्कर्ष वर्मा, उनसे बातचीत भी की गई है, तो आप सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। पूर्ण विरोध प्रदर्शन था और विरोध प्रदर्शन इस बात के लिए था कि जिस तरीके से ईडी का केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है, जिस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और ईडी ने तो कमाल कर दिया, मनगढ़ंत ऐसे तथ्य जो आधारविहीन है और वर्षों पहले जो मामला समाप्त हो चुका है, मृत प्राय है, उसको इस तरीके से उठाना और जिसमें नियमित रूप से हर रोज ईडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को तलब कर रही है, 8-8 घंटे लगातार पूछताछ कर रही है, तो उसके पीछे की क्या क्वेरी है? कोई नहीं ये जानना चाहता कि जयशाह की जो संपत्ति है वो किस तरीके से करोड़ों में हो गई, इस पर ईडी तो नहीं पूछती। और ये भी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं को ईडी ने तलब किया है, क्या ये मान लिया जाए कि कोई घोटाला ही नहीं हुआ है? तो सवाल इस बात का है कि चुन चुन कर आप देखिए कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर लोकतंत्र का निर्माण करते हैं, लेकिन ये जो सरकार है, ये जो दमनकारी सरकार है, जो अहंकारी सरकार है, ये विपक्ष को ख़त्म कर देना चाहती है, और अगर विपक्ष ख़त्म हुआ तो लोकतंत्र कैसे बचेगा, कौन उठाएगा आवाज़, कौन बोलेगा? इनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है कि अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसका दमन किया जाए। हमें सिर्फ और सिर्फ सरकार की के आचरण और सरकार की नीतियों से आपत्ति है। तो कहाँ जाएंगे यहाँ से? हम जाएंगे कहाँ, हमें जाने दिया नहीं जा रहा है, हम तो सुबह से जाने के लिए तैयार हैं।
लेकिन जाने नहीं दिया गया। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।